ہاے پرجن سیم ترہ گاڑی سے سو تا ترہ گاڑی اگر تم مظلوم چھ اگر تم مول بچی یم روپے کا چھ ترہ گاڑی لاگت کتھی وعلیکم आपको पता ही है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम इंजीनियर रशीद जेल में था। इंजीनियर रशीद के बेटे ने इलेक्शन कंपेन चलाई। इंजीनियर रशीद के बेटे ने यह बताया कि मेरा बाप पिछले 5 सालों से बंद है, मैं उसको निकालना चाहता हूं, आप लोग उसको वोट दो ताकि वो जेल से बाहर निकले। लोगों ने उसको प्यार दिया, लोगों ने उसको वोट डाले, उमर अब्दुल्ला जैसे कैंडिडेट को हराया और अभी इंजीनियर रशीद इलेक्शन कंपेन चला रहा है, वो जेल से बाहर निकल गया। अब अगर वही चीज कोई और दोहरा रहा है जिसका बाप पिछले 5 साल से जेल में है, जिसकी मां पिछले 5 साल से जेल में है, वो लोगों को बता रही है कि आप मुझे वोट दो ताकि मैं अपने मां बाप को जेल से बाहर निकालूं। और इसी इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप ड्रामेबाज हो, आपके पीछे पीछे जो ये गाड़ियां है ये कहां से लाती हो, जो इनमें तेल जलता है वो तेल आप कहां से लाती हो। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब इंजीनियर रशीद के बेटे ने इलेक्शन कैंपेन चलाई, क्या उसको किसी ने ये सवाल किया कि जो आपके पीछे पीछे ये गाड़ियां है ये कहाँ से लाते हो, जो आपके गाड़ियों में तेल जलता है वो कहाँ से लाते हो? उस टाइम उसको किसी ने सवाल नहीं किया। 18 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल इन्होंने एक भी सीट नहीं निकाली है और ये अभी से बौखला गए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट इसमें बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।